जी विकास जी, आपको कैसे इस लाइन से लगाव हुआ है और कब से आप इससे जुड़े हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को जो गुड मॉर्निंग प्रोग्राम है इसकी तरफ से, इंडियन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और देखिए, जहाँ तक गायकी की बात है तो जो अपना हरियाणा है इसमें कि गायकी एक ऐसी एक टॉपिक ऐसा है भाई जिसमें हर बंदा संस्कृति से जुड़ा हुआ है भाई, हर बंदा जो संगीत से जुड़ा हुआ है भाई, चाहे बच्चा हो बुजुर्ग हो। क्योंकि पहले जैसे हमारे यहाँ सांग होते थे भाई, दादा लक्ष्मी चंद जी, उनकी प्रेरणा से ही मतलब आज भी हमारे जो गायक हैं उनकी प्रेरणा से चल रहे हैं भाई। इसी तरीके से उनको देख देख के भी जैसे कलाकार हैं हमारे हरियाणा में काफ़ी अच्छे अच्छे रणबीर बड़वासनिया जी, और पंजाब से मेरे गुरुजी सरदूल सिकंदर जी, उनको देख देख के जिस तरीके से मैंने उनको देखा, उनको अच्छा लगा मेरे को, और मेरी भी इच्छा हुई कि भी मैं भी उनकी तरह एक अच्छा कलाकार बनूँ। इस तरीके से मैंने ये शौक मेरे अंदर, तो पहली आपकी कौन सी एल्बम थी, कौन सा गीत आपने? फर्स्ट में देखिए वो भी मेरे एक सॉन्ग हट जाओ पाछे ने काफ़ी मतलब फेमस हुआ भी, लोगों ने काफ़ी लाइक किया और अच्छा आशीर्वाद उन्होंने दिया। और ये भी देखिए एक हमारी हरियाणा की सांस्कृतिक धुन है भाई, पुराना जैसे गाना था उसी को हमने रिमिक्स करके इसको डाला तो काफ़ी अच्छा लाइक किया। और ये अपने हरियाणा में काफ़ी मतलब इस तरह के एक सॉन्ग हैं, काफ़ी गीत हैं और कंपोज हैं भाई, जो अगर अच्छे अच्छे हम उनको रिमिक्स करके डालें तो और भी ज़्यादा मतलब उनसे पॉपुलरिटी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाली कौन सी आपकी एल्बम अभी है? मेरी 2-3 दिन में एक सीडी बहुबागड़ की, और अभी जिस प्रकार से देखिए सावन का अभी टाइम आ गया, आ जाएगा अगले महीने।